कोरोना को मात देकर जितेंद्र अवार्ड लौटे अपने घर, डॉक्टरों ने दी सलाह 3 सप्ताह रहो घर के अंदर। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 10 मई को दोपहर में कोरोना को मात देकर कलवा मुमरा के विधायक और महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवार्ड स्वस्थ होकर के अपने घर वापस लौटे हैं। घर वापस लौटने के बाद 10 मई को उनकी हमारी फोन पर बातचीत हुई, ऑडियो छोटा सा एक इंटरव्यू हमने उनका किया। उस दौरान क्या क्या हमारी बातें हुई उनके साथ वो हम आपको बता रहे। साथ ही शमीम खान जैसे अन्य उनके कई साथी कोरोना पॉजिटिव हुए थे और फिर नेगेटिव होकर के घर लौटे, क्वारंटाइन पीरियड में है। उसके बावजूद उनमें से जो भी शमीम खान जैसे लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी उन्होंने क्या कहा वो पूरी बातचीत हम आपको सुना रहे हैं। और किस तरीके से अपने बंगले से मंत्री और विधायक जितेंद्र अवार्ड ने लोगों को अभिवादन किया हाथ हिला करके, वो तस्वीरें भी आपको बता रहे हैं। सर नमस्कार, कैसी तबीयत सर आपकी? बस खैरियत अल्लाह का करम है सर। बहुत मुझे फोन आ रहे हैं मुमरा कौसा कलवा से, तो हाँ। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि थोड़ा सा बात कीजिए, लोग जानना चाह रहे हैं कि अवार साहब की तबीयत कैसी है, अवार साहब की तबीयत कैसी है, अवार साहब है कहाँ पर, कोई अपडेट नहीं है हम लोगों के पास और आप भी नहीं पहुंचा रहे, तो क्या क्या स्थिति है सर आपकी तबीयत की? आप लोगों की दुआएं काम में आई, मुझे लगता है कि शायद आपको किसी को पता नहीं है जिस हालात में से गुजर रहा था वो हालात बहुत ही कठिन थे। और इन कठिनाइयों का सामना करते वक्त अगर सबसे ज्यादा मदद किसकी होती है तो वो दुआओं की होती है। और मुझे लगता है कि कलवा मुमरा और महाराष्ट्र के तमाम गरीब जो है जो शोषित है, यहाँ का जो अल्पसंख्यक है, जो शोषित है, यहाँ का दलित है, इनकी सबकी दुआएं मेरे साथ है, क्योंकि हमेशा दिलों जिगर के साथ में उनके लिए लड़ते आया हूँ। और शायद ये वक्त ऐसा आया था एक कि आपकी बिना आपकी दुआएं कुछ का कुछ असर नहीं होता। आपकी दुआओं का असर ये है कि आज मैं घर वापस लौट आया हूँ। और बहुत ही कठिन दिन थे वो 18 दिन, लेकिन वो 18 दिन का सामना करने के लिए आपकी दुआएं हम मेरे साथ थी और वही मेरी ताकत थी सर। आप अभी फिलहाल घर पहुंच चुके हैं, ये कंफर्म है क्या सर? अभी मैं आज सुबह घर पहुंचा जी, सुबह मैंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया और सुबह मैं घर पहुंचा। ये जो अफवाहें फैलाई गई थी कि आ गए हैं घर पहुंचे हैं, कुछ नहीं, ये सब सरासर झूठ थी जी। मैं आज दोपहर को 9 बजे, सुबह 9:30 बजे थाना के मेरे घर पहुंचा। यानी 10 मई दोपहर को आप घर आए सर? हाँ जी। और मैं ये भी कहता हूँ कि मैं अभी घर में हूँ जी, घर में रहूंगा। और डॉक्टर का साफ कहना है कि आने वाला एक 15-20 दिन कम से कम किसी को ना मिले, किसी से बात ना करे जी, और हो सके उतना आराम करके जी, अपनी जो सेहत है जी, उस सेहत को फिर से उभारने के लिए, उसको ताकत देने के लिए जितनी हो सके उतनी स्वयं कोशिश करने की जो जरूरत होती है जी, वो करिए। सर इसमें कुछ अफवाहें ऐसी फैल रही थी कि जो बंगले में आपके यहाँ पर एक मारपीट का जो प्रकरण हुआ था, तो उसकी वजह से जो है कुछ भाजपा और दूसरे मतलब एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग्स है वो आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं और उन सबको टालने के लिए आपने बीमारी का बहाना बनाया है, ऐसी भी एक टीका टिप्पणी और आलोचना के तहत चल रहा। मैं पहली बार ये कह रहा हूँ जी कि महाराष्ट्र के राजनीति का जो नीचोत्तम स्तर है जी, जी, वो मैंने देखा है जी, जी, जी। मेरे मौत के बारे में लिखने का काम अगर सोशल मीडिया पे होता है जी, तो मुझे लगता है कि जिस भारत की संस्कृति में दुश्मन को भी अपना माना जाता है जी, क्योंकि जो दुश्मनी विचारों की होती है जी, द्वेष नहीं होता उसमें, द्वेष नहीं होता है उसमें, वैचारिक वैचारिक आलोचना होती है, वैचारिक विरोध होता है जी। पहली बार मेरी मौत के बारे में लिखा गया है जी, मुझे जी, लगता जी। है कि ये सब जो चालू है महाराष्ट्र की राजनीति का नीचोत्तम स्तर आ गया है जी। और ये कोई राजनीति नहीं है,
जी ऐसा है कि वो केस एक अलग जगह पे है, जी मेरा केस, मेरा हॉस्पिटलाइजेशन, मेरा अस्पताल में दाखिल होना एक अलग जगह पे है। जी जी अब ये कट्टर हिंदुत्ववादी जो है जी वो क्या क्या शक्ल लड़ाते और क्या क्या करते हैं खुदा जाने, उनको मेरा रब और मेरे जो है वो क्या उनके बारे में क्या कहना है। जी 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 सर, वैसे तो अभी आपकी कमी लोगों को बड़ी खल रही है, मुमरा कौसा में भी केसेस बढ़ती चली जा रही है, और अभी भी जो है शाम के बाजार सुबह के टाइमिंग दिए गए उसके बावजूद शाम के बाजार लग रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है मुमरा कौसा के लोगों से क्या अपील करेंगे, केसेस बढ़ देखो रही है ऐसा है ऐसे कि मामले अगर में। आपको आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये खतरनाक खेल कैसे आगे बढ़ रहा है, जी तो फिर आपको कौन बचा सकता है। जी 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 ऐसा एक हद तक लोग तुमको, मैं तुमके समझा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद में तो अपने आप को ही समझना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। जी जी मुझे लगता है कि अगर आज भी हम समझ नहीं पा रहे कि जी ये कितना खतरनाक हो सकता है, जी तो इसके आगे क्या बोला जाए लोगों को। सर, आपकी गैर मौजूदगी में आपके बहुत सारे साथी भी जो है उनको क्वारंटाइन होना पड़ा, मगर मैंने देखा कि शमीम खान जैसे लोग हैं वो क्वारंटाइन तो हुए घर पर, लेकिन उन्होंने घर पर रह करके भी मतलब कुछ ना कुछ अपने तौर पर लोगों की मदद करने का देखो ऐसा है, सिलसिला शुरू राजनीति किया। में जो आदमी रहता है जी वो जब बीमार भी होता है तो दूसरे के इलाज करने में अपनी बीमारी का रास्ता ढूंढ निकालता है। जी तो मुझे लगता है कि शमीम भाई मेरे वो खास काम करने वाले में से है, मेरा वो खास पार्टी वर्कर है जी जो हर वक्त दूसरों का ख्याल करते रहता है। तो पॉलिटिक्स में आए हैं तो इसका सीधा मतलब है हम कि दूसरे को मदद करने के लिए आए हैं। जी 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 तो क्वारंटाइन हुए या नहीं हुए, लेकिन मैं अगर क्वारंटाइन हुआ और मेरे बाजू में कोई हॉस्पिटल में दूसरा आदमी भी क्वारंटाइन है लेकिन उसको अगर कोई मदद चाहिए तो पहला मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको मदद करूं। मदद और करो। इसी इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस कलवा और मुमरा में पहचानी जाती है कि जी जी जान पे खेल, जान हथेली पे लेके हम लोग खेले हैं जी और बिना किस परवाह किए हमने लोगों की सेवा की है। जी और जी इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मैं बिखरा हूँ, जी दुगनी रफ्तार से उभरा हूँ, जी तो ये ऐसे छोटी मोटी अपघात स्पीड ब्रेकर आते हैं, वो दिक्कतें आती रहती है, वो दिक्कतें बाजू में करके हमें आगे बढ़ना है। बढ़ना है। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। लोगों को बड़ी आतुरता थी आपकी आवाज सुनने के लिए, भले ही आप न दिखे मगर कम से कम आवाज सुनाई दे। तो आज आपने हिंदुस्तानी रिपोर्टर से बात की, अपना संदेश जनता के नाम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।